अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, साइमाज स्मार्ट किचन में वेलकम। आज हम बनाएंगे ठंडी मीठी मज़ेदार सी रसमलाई। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। इसके को हम इतना पकाएंगे कि ये हाफ हो जाएगा। 1 कप शुगर डालकर, 1 कप पाउडर मिल्क मैंने नीडो लिया है, और इसके अंदर हम 1 टीस्पून सूजी और 1 टीस्पून मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, और उसे हम एक अंडे से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अच्छा, उसके साथ हमें जब दूध हम पकाएंगे तो उसके लिए हमें इलायची और ज़ाफ़रान चाहिए, और पिस्ते और बादाम जो हैं वो गार्निश के लिए। तो चले आएँ, मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हम दूध बॉयल होने के लिए रख रहे हैं। जब इसमें एक बॉयल आएगा तो उसके बाद हम 1 कप शुगर और इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान मिक्स करेंगे। ये अंडा हमने तोड़ के अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, और अब इसके अंदर हम 1 कप नीडो, ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम मिक्स कर लेंगे। सूजी 1 टेबलस्पून, मैदा 1 टेबलस्पून, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 पिंच जो है वो इलायची का भी डाल रही हूँ उसके अंदर। अब थोड़ा थोड़ा अंडा डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे इसको। मिक्स कर लेंगे, क्रम्स की तरह कर लेंगे इसको, बल्कि ये पूरा ही जाएगा अंडा। तकरीबन हाफ हो गया है। अब मैं इसमें शुगर और ज़ाफ़रान डाल दूंगी। इलायची पाउडर भी डाल दिया है मैंने और शुगर। अब इस स्टेज पे डालूंगी। अगर हम पहले डालेंगे तो फिर वो नीचे लग लग के पूरा सारा दूध का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। शुगर मैंने ली तो 1 कप थी। देखिए, बहुत ज़्यादा मीठी भी रसमलाई अच्छी नहीं लगती है। टेस्ट कर लें, अगर बस ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। शुगर पूरी मेल्ट हो गई है,
और ये इसमें बॉयल आ रहा है। अब इसमें आपने जल्दी ये जो गोलियां आपने बनाई थी ये डालनी है, इनको ज़्यादा देर नहीं रखना वरना फिर इसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा हम हिलाना भी नहीं है, अब ये खूब पक के फूलेंगी तो फिर हम उसको निकालेंगे। ये देखिए ये राइज होना शुरू हो गई हैं। बस अब इसको इसमें बिल्कुल भी आपने चमचा नहीं हिलाना है, बस इसको ऐसे पैन में लीजिएगा बनाइएगा जिससे आप आहिस्ता से इसको हल्का सा पकड़ के बस आप हिला सकें। ये देखिए बस अब ये हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी मीठी सी रसमलाई तैयार हो चुकी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो ये गर्म है, इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और ठंडी ठंडी फिर खाइए आप लोग और इन्जॉय कीजिए। मेरे चैनल साइमाज स्मार्ट किचन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।